हाय गाइस, आज हम एक बहुत ही इजी एंड सिंपल आलू की भुर्जी बनाने लगे हैं। बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है जो कोई भी बना सकता है। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 5 आलू और उनको छोटा छोटा काट लेना है। 2 मीडियम साइज के प्याज स्लाइस किए हुए, 2 हरी मिर्चें, 1 मीडियम पीस अदरक का, 4 से 5 पीस लहसुन के, इन सबको इस तरह से काट लें। एक छोटा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सूखे धनिए के बीज जो कि हमने थोड़े से क्रश कर लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच जीरा। आधा कप कुकिंग ऑयल, सबसे पहले कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को गर्म कर लें। जब तेल गर्म हो जाए फ्लेम स्लो करके प्याज हमने ऐड कर लेने हैं। फ्लेम तेज करके अब प्याज को भूनेंगे जब तक हल्का ब्राउन कलर नहीं आ जाता। साथ ही हमने जीरा भी ऐड कर लेना है। प्याज पे अब हल्का हल्का ब्राउन कलर आ गया और ये सॉफ्ट भी हो गए, अब ये रेडी हैं। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही सारे मसाले भी ऐड कर लेंगे। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाला है वो आलू पे इवनली कोट हो जाए। आलू को 3 से 4 मिनट तक भून के हम उसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चें डालेंगे। फिर से आलू को भून लेंगे 4 से 5 मिनट तक। भूनने के बाद इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और इसको स्लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद चेक कर लेंगे, अगर आलू नहीं गले तो उनको 5 से 6 मिनट के लिए और पकाएंगे। आलू अब रेडी हो गए हैं, इनको सिर्फ 20 मिनट लगे हैं पकने में। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप कर लेंगे और हमारी सब्जी को गार्निश कर लेंगे। सिंपल, इजी और टेस्टी आलू की सब्जी तैयार है। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। चाहें तो समोसे भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।